हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटरटेक पे। आज हम देखेंगे ऑल न्यू फेसलिफ्टेड 2022 ग्लेनो का टॉप मॉडल जो कि ब्लू कलर में आपके सामने है। देख सकते हैं आप, ऐसी कुछ आपको फ्रंट ग्रिल देखने मिलेगी क्रोम सराउंडिंग्स के साथ। बात करें तो आपको एलईडी सेटअप मिलेगा फुली, 3 स्टेप्स में आपको एलईडीज मिल जाएगी, डीआरएल जिसको हम कहते हैं। ऐसी कुछ लाइट्स देखने को मिलेगी आपको, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा बैक में। बूट को ओपन करके दिखाते हैं आपको कितनी बूट स्पेस है। 339 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाएगी। टेल लाइट आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट के जैसा डिज़ाइन आपको बैक में भी दिख जाएगा। टॉप मॉडल में आपको पार्शियल ट्रे ऑफर की जाती है। तो चलिए बूट को करते हैं क्लोज। और आज साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले टायर्स की बात करते हैं, जो कि डायमंड कट मशीनरी अलॉय व्हील्स हैं, डुअल टोन में मिल जाएंगे। प्राइस की बात करें तो आपको 195/55R16 का मिल जाएगा। 16 इंचज़ के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी। ऐसा कुछ आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। फ्यूल कैपेसिटी के बारे में तो आपको 37 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी नई ग्लेनो की। चलिए चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। ऐसा आपको कुछ क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलेगा। पावर विंडोज़ आपको मिलेगी विद टिंटेड विंडोज़, कंपनी से आपको टिंटेड विंडोज़ मिल जाएगी। रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, उसको आप ब्लोअर सेटिंग्स कर सकते हैं, टेम्परेचर नहीं सिर्फ ब्लोअर कर सकते हैं। उसके नीचे आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स दी गए हैं। राइट साइड भी आपको सेम ऐसी चीज़ें ही दी गई हैं। पीछे की तरफ आपको 2 आर्म्स दिए गए हैं, 3 नहीं सिर्फ 2 दिए गए हैं। नीचे आपको बेल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी। ऐसा कुछ आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलेगा पीछे से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको डुअल कलर में सीट्स देखने को मिलेगी। लेदर सीट्स नहीं है, फैब्रिक है। एसी वेंट्स की बात करें तो आपको एसी वेंट्स के साथ ही ब्लोअर कंट्रोल भी मिल जाएगा। ग्लव्स बॉक्स भी आपका डिसेंट साइज़ का दिया गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके आगे बात की जाए तो आपको कीज देखनी है तो आपको वो ग्लेनो के ओल्ड वाली कीज ही मिलेगी। कीज़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीछे आपको मारुति का लोगो दिख जाएगा। उसके पीछे बात करें तो आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके नीचे का आपको स्टोरेज भी मिल जाएगी। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है गाड़ी। लेफ्ट स्पीड में आपको ब्लोअर कंट्रोल मिल जाएगा और राइट साइड पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जो कि है इसका 360 डिग्री कैमरा। ये देखिए आप, अभी हमें ये बैक का दिखा रहे हैं, ये आपको बैक का फुल स्क्रीन में भी दिख जाएगा। उसके बाद बात करें तो आपको लेफ़्ट साइड पे फुल गाड़ी का 360 दिख जाएगा, राइट साइड पे आपको बैक का दिखेगा। लेफ्ट पे आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का देखना है कि राइट साइड का। स्क्रीन इसकी पहले से काफ़ी बड़ी और अच्छी कर दी गई है, देख सकते हैं आप। आपको फ्यूल इकॉनमी यहीं पर देखने को मिल जाएगी। 1000 लैंप का बटन आपको यहाँ पर प्लेस किया गया है। एसी वेंट्स आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं, बीच में थोड़ा सा क्रोम भी दिया गया है। सिस्टम की सेटिंग्स आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी, अभी आप देखेंगे सिस्टम की क्या क्या सेटिंग्स है। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको कोई नॉब नहीं दी गई है, आपको सिंपली टच करके वॉल्यूम अप एंड डाउन करना पड़ेगा। देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा दोस्तों, हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। उसके आगे बात करते हैं मीडिया सेटिंग्स। ये आपको बर्ड्स आई व्यू कैमरा भी मिल जाएगा दोस्तों ग्लेनो के बीच में, देख सकते हैं आप। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले सराउंड व्यू फुल दिखाएगा दोस्तों, कैसी गाड़ी के आगे आले दुआले क्या है आपके। ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा आपका 360 डिग्री कैमरा। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVM दिख जाएगा। उसके ऊपर आपको 2 हैलोजन लाइट्स दी गई है, LED दे रहे तो काफ़ी अच्छा होता। ये दोस्तों ग्लेनो के नई वाली की काफ़ी कमियां भी है दोस्तों इसमें। कमियां तो दोस्तों हर गाड़ी में होती है, कमियां और खूबियां सब गाड़ी में मिल जाएगी। आप अपने 360 कैमरे को पॉज और प्ले भी कर सकते हैं दोस्तों। वॉइस अलर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी, आपको दोस्तों बिल्ट इन अलेक्सा के साथ मिलेगा ये सिस्टम। ये हम टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम वही आपको टच वाला मिलेगा, कोई भी नॉब नहीं दी गई है, नॉब मिलती तो ज़्यादा अच्छा रहता दोस्तों। तो ये था अंदर का लुक गाड़ी का। ड्राइवर साइड डोर की बात की जाए तो आपको चारों पावर विंडोज़ देखने को मिलेगी। आउटसाइड डोर भी हम आप अपना अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। राइट साइड बात की जाए तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस अप एंड डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ आप अपनी लाइट्स को कर सकते हैं। उसके साथ आपको हेड्सअप डिस्प्ले का भी मिल जाएगा दोस्तों, जैसे हम उसको प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए आपका हेड्सअप डिस्प्ले आप ऊपर आ जाएगा। और उसके नीचे हमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, हम उसको प्ले और पॉज भी कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप बर्ड्स आई व्यू आपको राइट साइड बटन पर मिल जाएगा, जैसे हम उसको दबाएंगे। और उसके साथ आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट सैचुरेशन की भी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। कैमरा सेटिंग्स भी इसकी काफ़ी है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो दोस्तों अभी भी हमें वही नॉब वाला सिस्टम मिलता है, कोई बटन नहीं मिलता है जिससे हम अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, अभी भी वही नॉब आती है दोस्तों। लाइट्स की बात की जाए तो आपको फुली LED मिल जाएगी विद ऑटो हेडलैम्प्स। उसके साइड की बात करें तो आपको वॉल्यूम माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे स्टेयरिंग पर ही।
बीच के सेंटर कंसोल की बात की जाए तो आपको एक चार्जिंग पॉइंट और 12 वोल्ट का चार्जर आगे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं आप, काफ़ी कमियां और खूबियां भी है दोस्तों। आपको फर्स्ट इन सेगमेंट दो फीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको किसी भी सेगमेंट में नहीं मिलेंगे दोस्तों। जैसे हम गाड़ी को ऑफ़ करेंगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपका हेडसेट डिस्प्ले अपने आप बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, बाहर आता काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों देखने में, काफ़ी प्रीमियम फीचर है दोस्तों। देख सकते हैं स्टार्टिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हेलो भी दिखाई दे गया होगा आपको। उसको दबा के रखेंगे तो आपका हेड्स अप डिस्प्ले अंदर भी चला जाएगा। तो दोस्तों अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो वो केवल ऊपर नीचे ही होता है, देखने में अभी भी वही स्विफ्ट वाला ही है, लेकिन क्रूज कंट्रोल आपको ऐड हो चुका है। तो दोस्तों बलेनो को जैसे कि आपको पता है 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाता है, तो आपको चारों तरफ कैमरे के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बोनट की बात की जाए तो दोस्तों काफ़ी भारी बोनट हो चुका है, पिछली वाली का तो टीन का डब्बा कहते थे सभी, इस बार तो काफ़ी भारी बोनट लगाया है दोस्तों कंपनी वालों ने। देखते हैं अगर इसके क्रैश टेस्ट होते हैं तो क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ऊपर की तरफ आपको दो स्प्रे नॉजल्स मिल जाएगी विंडशील्ड के लिए, इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी की गई है दोस्तों। इंजन की बात की जाए तो आपको 82 BHP के तकरीबन पावर मिल जाएगी, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। दोनों ओवर वी एम की तरफ आपको कैमरास शो हो गए। ये है दोस्तों बलेनो की सेट प्रोफाइल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।